बीजेपी नेता ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि विगत 5 वर्षों में आपके नेतृत्व में चली सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके बारे में आपकी पार्टी के अनेक विधायकों ने टीवी पर आरोप लगाए और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के सदस्यों को रेट की परीक्षा का जिम्मा जिस जारोली ने दिया वह आपका खास आदमी था। इस प्रकार सोनिया गांधी को खुश करने के लिए आपने 25 लाख रीट परीक्षार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया। RPSCO को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर राजस्थान की शासन व्यवस्था में अक्षम और भ्रष्ट लोगों की भर्ती का रास्ता खोलकर महापाप नहीं किया। 5 साल में आपने एक भी नया पावर प्लांट स्थापित नहीं किया और निजी क्षेत्र से महंगी बिजली खरीदकर भ्रष्टाचार किया, जबकि आज आप ही बिजली बिजली चिल्ला रहे हो। आपकी सरकार में जल जीवन मिशन टेंडर घोटाले के कारण आज राजस्थान में पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार राजस्थान को 27,000 करोड़ दे चुकी है पर आपसे खर्च नहीं हुए। आज आप और आपके चले डोटासरा पानी के लिए शोर मचा रहे हैं। आपकी सरकार सरकारी अस्पतालों में पंखे कूलर तक उपलब्ध करवाकर नहीं गई और आज जबकि राज्य भाजपा सरकार का यह सब काम कर रही है तो प्रश्न उठा रहे हो क्या यह सही है कि जिनको आप आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर रहे हैं एक दिन इनमें से 90% लोग आपके निकटतम लोगों में से थे और ये आपकी कुटिल राजनीति से परेशान होकर भाजपा में आए। सुरेश मिश्रा ने कहा कि राजस्थान और कांग्रेस के एकमात्र नॉन परफॉर्मिंग असेट स्वयं अशोक गहलोत है जो अपनी पार्टी को 25 साल से कमजोर करते हैं। मिश्रा ने आगे कहा कि हमारी भाजपा के लिए तो अशोक गहलोत परफॉर्मिंग असेट ही है जो हर बार मुख्यमंत्री बन जाते थे और नकारा सरकार चलाकर भाजपा को जिताने में मददगार होते रहे, परंतु अब भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुराने सारे भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शने वाले नहीं है और सुशासन और विकास के मॉडल के आधार पर 2028 में भाजपा की सरकार पुनः बनाएंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने सभी नेताओं को कामचोर, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनका स्वभाव बन चुका है कि वो ही सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। उसी का तो नतीजा है कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस के कारण ही कांग्रेस का बार बार राज जाता है। कभी सीपी जोशी के कंधे पे बैठ के, कभी सचिन पायलट की मेहनत पे बैठकर, कभी परशुराम मदेरणा जी की मेहनत पे बैठ करके उन्होंने राज तो हथिया लिया, लेकिन जब जब उन्होंने काम नहीं किया तो जनता ने उनको नकार दिया। ऐसा नकारा व्यक्ति जो हर बार चुनाव हार जाते हैं और हर बार आला कमान के भरोसे पर के बनकर के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की जनता उकता गई है, उनके डायलॉग सुन सुन के उकता गई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति से उनको संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि सटिया गई है। वो हम लोगों को नॉन परफॉर्मिंग नेता कहते हैं, वो सरासर गलत है। हमने जब भी जहाँ काम किया ईमानदारी से काम किया है, पर उनकी कूटनीति और षड्यंत्रों के सामने कुछ चल नहीं सकता। और इसलिए सचिन पायलट जैसे नेता जो पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश करने के खड़ा करने वाले थे, उनको भी आपने राजद्रोह के मुकदमे में उलझाने का प्रयास किया, तो ऐसे नेता की नेतागिरी, उन्हीं को मुबारक। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी, इस प्रकार की अकेले करना बंद करो, सबको काम चोर निकम्मा कहना बंद करो, वरना पूरी पार्टी वैसे ही काम चोर हो चुकी है, आपके कहने के बाद से और निकम्मी हो जाएगी।